गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 आर गवर्नमेंट। नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट? आंसर इज A group of people that make law and manage a country is known as government. लोगों का ग्रुप जो कंट्री के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाता है, कानून और नियम बनाता है और पूरी कंट्री को मैनेज करता है, पूरी कंट्री को चलाता है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक लॉज फॉर अ कंट्री एंड मैनेज द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mention two things that a government should do. It means दो चीज़ें जो government को करनी चाहिए, दो work जो government को करना चाहिए। So answer is making laws, कानून बनाना। Next is ensuring that the laws are obeyed by all, और ये देखना कि जो भी law बने हैं उन सभी को people follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज़ें, दो वर्क गवर्नमेंट को करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अमोंग्स हाउ मैनी ब्रांचेज इज़ द वर्क ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड। इंडियन गवर्नमेंट के वर्क की कितनी ब्रांचेज डिवाइडेड है, इंडियन गवर्नमेंट कितनी ब्रांचेज में डिवाइडेड है? सो आंसर इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमोंग्स 3 ब्रांचेज। इंडियन गवर्नमेंट का वर्क 3 ब्रांचेज में डिवाइडेड है। 3 ब्रांचेज मैंने बताई थी आपको, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट। सो दीज आर 3 ब्रांचेज ऑफ आर गवर्नमेंट एंड द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स का क्या रोल है, कोर्ट क्या करते हैं? सो आंसर इज कोर्ट्स एंश्योर दैट द लॉज आर फेयर टू एवरीबडी। कोर्ट ये एंश्योर करते हैं या देखते हैं कि जितने भी लॉ बनाए हैं वो सभी के लिए फेयर हैं कि नहीं है, सभी के लिए अच्छे हैं या नहीं है। पनिश दोज हु डू नॉट फॉलो लॉज, लोगों को पनिश करते हैं जो इन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो नहीं करते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई हैज़ इंडिया बीन डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। इंडिया को स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज में डिवाइड क्यों किया गया है? आंसर इज इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गवर्न द एंटायर कंट्री फॉर अ सिंगल सेंटर। इंडिया को 28 एंड 9 यूनियन टेरेटरीज में डिवाइड किया गया है, बट क्यों किया गया है? बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गवर्न अ एंटायर कंट्री, बिकॉज पूरी कंट्री को एक सिंगल सेंटर, एक जगह से गवर्न करना, उस पर शासन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। सो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 7 एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। And you have to do this work in your SST copy. That's all for today.